राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आज ज्वाइंटली एक रिव्यू मीटिंग यहाँ की अरुणाचल प्रदेश राज्य में बाल अधिकार संरक्षण से संबंधित विभिन्न कानून, विभिन्न संवैधानिक प्रावधान और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के दृष्टिकोण में समीक्षा के दृष्टिकोण क्रियान्वयन में समीक्षा के दृष्टिकोण से इस वृहद समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस रिव्यू मीटिंग में लगभग 14 अलग अलग डिपार्टमेंट्स शरीक हुए। उन डिपार्टमेंट्स ने सेट क्वेश्चन आयर पे अपने रिप्लाई सबमिट किए, अपना डेटा सबमिट किया। उन डेटास को रिकंसाइल किया गया दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ, कन्वर्ज किया गया और जो बॉटल नेक्स थे उनके बारे में डिस्कशन किया गया। इस तरीके की बैठक NCPCR कोशिश करता है कि हर 3 साल में एक बार संपादित हो सके, जिससे कि लाइन डिपार्टमेंट्स के बीच में बेहतर कन्वर्जेंस हो और बच्चों की अधिक से अधिक मदद हो सके। आज की बैठक में जो कुछ ग्लैरिंग पॉइंट्स मिले मैं आपको बताना चाहूँगा। हमको डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट ने, जो दिव्यांग बच्चों के लिए काम करता है, बताया कि कुल 183 बच्चे ऐसे हैं जिनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है डिसेबिलिटी का पूरे स्टेट में। अनफॉर्चुनेट ये है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमको जो बताया उसके अनुसार 3,000 से ज़्यादा बच्चे, 3,500 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल के रिकॉर्ड में डिसेबल्ड हैं। तो उनमें से केवल 183 बच्चों को सर्टिफिकेट मिला होना और पेंशन मिलना एक बड़ा गैप है। इस गैप को फिल करने की आवश्यकता है। हमको राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रभारी ऑफिसर्स ने बताया कि उन्होंने जिन बच्चों की स्क्रीनिंग की उनमें डेवलपमेंटल डिले के डेफिशिएंसीज के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े भी जो डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट ने आंकड़े अवेलेबल कराए हैं उनसे मेल नहीं खाते। RBSK ने कुल स्क्रीन किए हुए बच्चों की जो जानकारी दी उनके अनुसार 1,94,000 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। RBSK एक भारत सरकार का कार्यक्रम है जिसका राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। उसके अंतर्गत साल में 2 बार आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर के ICDS सेंटर पे और साल में 1 बार स्कूल में जाकर के बच्चों की स्क्रीनिंग की जाती है 4Ds पे। 4Ds आर डेवलपमेंटल डिलेज, डेफिशिएंसीज, डिसेबिलिटीज एंड डिसीजेस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने बताया कि कुल 1,94,000 बच्चों को उन्होंने स्क्रीन किया है, जबकि एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा UDIS पर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 6 से 18 साल के बच्चे अरुणाचल प्रदेश में स्कूलों में अध्ययनरत जो हैं वो 3,28,000। तो कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग में कमी है, हमने उनको इसको सुधारने के निर्देश दिए। इसी प्रकार हमने जो दूसरे विभागों से बात की उनमें हॉस्टल्स की, बच्चों के लिए हॉस्टल्स की कमी समझ में आई है। हम भारत सरकार से इस बारे में आगे बात करेंगे। हमको एक और जो बड़ी कमी दिखी वो ये कि थानों में, पुलिस स्टेशन्स में एक चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर नियुक्त होना चाहिए, ऐसा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का मैंडेट है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के 142 फंक्शनल थानों में पर्याप्त संख्या में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रूप में पुलिस बल की नियुक्ति ना होना, पोस्ट क्रिएट ना होना,
एक बड़ा हर्डल है चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स अपॉइंट होने में। इस बारे में कमीशन ज़रूरी रिकमेंडेशन भारत सरकार को, राज्य सरकार को देगी। हमको ये भी पता चला कि राज्य में 23 बच्चे HIV पॉजिटिव हों। इन बच्चों को भारत सरकार की मिशन वात्सल्य की स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ मिलना चाहिए। हमने ऐसे निर्देश उनको दिए हैं। इसके अलावा सब्सटेंस एब्यूज, ड्रग्स का इस्तेमाल, स्कूलों के आसपास तंबाकू की दुकानें हटवाना, मेडिकल स्टोर्स से मिलने वाले नशे के सामान को नियंत्रित करना, इन विषयों पर बात हुई। कोविड के दौरान कोविड या किसी अन्य कारण से अपने माता पिता दोनों को या एक को खो देने वाले बच्चों की संख्या भी यहाँ लगभग 400 है। उन बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ मिले, उनका सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और इंडिविजुअल केयर प्लान बने और बाल स्वराज कोविड केयर पोर्टल पर अपलोड हो, ये निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने SMWP 4/2020 में दिए हैं। इसका क्रियान्वयन यहाँ नहीं किया गया है, हमने आवश्यक निर्देश दिए हैं। सबसे बड़ा विषय जो है अरुणाचल प्रदेश का, वो मैं सबसे आखिर में आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ, जिस पर बहुत गंभीरता से सभी डिपार्टमेंट्स के साथ बातचीत की गई है और आयोग ने यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि बाल श्रमिकों के रूप में बच्चों को नियोजित करना, चाइल्ड लेबर के रूप में बच्चों का उपयोग करना NCPCR और SCPCR कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोंटा बोंटी की कुप्रथा एबॉलिश करने के लिए हमने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। रिसेंटली जो घटना प्रकाश में आई थी गत माह, जिसमें डोमेस्टिक हेल्प के रूप में बच्चों को लगाकर उन बच्चों का सेक्सुअल एब्यूज किया गया और इसमें सरकार के अधिकारी शामिल रहे, हमने एक टीम दिल्ली से भेज करके उसकी जांच करवाई थी। ज़रूरी निर्देश हमने उस संबंध में चीफ सेक्रेटरी को दिए हैं, उनकी कॉपीज़ आप लोग ले लीजिएगा जो हमने चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए हैं, यहाँ से लेकर के जाइएगा। इसमें हमने साफ साफ आज भी कहा और चीफ सेक्रेटरी को लिखकर भी दिया है कि आने वाले 20 दिनों के अंदर राज्य सरकार के प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक कर्मचारी से अंडरटेकिंग लें, एफिडेविट पे लें कि उसके घर में कोई भी बच्चा काम नहीं कर रहा है। ऐसा सिविल सर्विस रूल्स का, ऐसा करना, बच्चे को कर्मचारी के रूप में नियोजित करना सिविल सर्विस रूल्स का उल्लंघन है, चाइल्ड लेबर एक्ट का उल्लंघन है। उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें, सघन अभियान चलाएं, जिससे कि घरों के अंदर श्रमिक के रूप में बच्चों को काम करवाना रोका जा सके। आने वाले समय में आयोग राज्य के विधानसभा के माननीय स्पीकर महोदय से भी यही निवेदन विधायकों के परिप्रेक्ष्य में करने वाला है, क्योंकि पूर्व में हमको विधायक के घर में भी, एक MLA के घर में भी इस तरीके के इंसिडेंट की जांच करनी पड़ी थी, जहां पे डोमेस्टिक हेल्प के रूप में काम करने वाली लड़की की सस्पिशियस मौत हुई थी। अनफॉर्चुनेट है कि उस मामले में उसकी बॉडी एग्ज्यूम होने के बाद जो फीटस मिला था उसका DNA इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक रिपोर्ट आज तक कमीशन को नहीं दी गई है। हमने ये भी आज साफ साफ कहा कि अरुणाचल प्रदेश एक प्रोटेक्टेड स्टेट है, अपनी वैल्यूज़ के लिए जाना जाता है, अपने कल्चर के लिए जाना जाता है और ये कल्चर प्रोटेक्टेड रहे इसलिए इनर लाइन परमिट की व्यवस्था यहाँ पर है। हमने ये निर्देश दिए हैं कि पिछले 5 सालों में इनर लाइन परमिट कितने बच्चों को जारी किए गए यहाँ रहने के लिए, यहाँ आने के लिए,
उनकी जानकारी एकत्रित करके एक हफ्ते के भीतर एनसीपीसीआर को पहुंचाई जाए। इनर लाइन परमिट से प्रोटेक्टेड स्टेट होने के बावजूद आसाम से, बिहार से, दूसरे राज्यों से बच्चों को यहाँ ला के रख कर घरों में डोमेस्टिक हेल्प के रूप में उनका शोषण करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एनसीपीसीआर एक एक थ्रेट को पकड़ के किसी भी कल्प्रिट को नहीं छोड़ेगा, इंक्वायरी जड़ तक करेगा। स्पास, ब्यूटी पार्लर्स, होटल्स, इनके लिए कोई इफेक्टिव गाइडलाइन स्टेट में नहीं है जिससे कि चाइल्ड लेबर एम्प्लॉय करना वहाँ पे रोका जा सके। हमने चीफ सेक्रेटरी को इसके बारे में रिकमेंडेशन दी है कि वो इनको रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइन बनाएं। जिन स्पास में, जिन ब्यूटी पार्लर्स में बच्चों के शोषण की घटनाएं मिलती हैं, जिन होटल्स में ऐसा मिलता है, उनको ब्लैकलिस्ट करें और उनको बिजनेस करने के लिए डिबार कर दें। पॉक्सो के केसेस का स्पीडी ट्रायल, पॉक्सो के विक्टिम्स को कंपनसेशन, उनके रिहेबिलिटेशन की पूरी प्रोसेस उनका राइट है, उनका इंटाइटलमेंट है। और यहाँ पे कंपनसेशन देना, उसको लेके सीरियसनेस हमको नहीं दिखी। एनसीपीसीआर ने देश भर में इस तरीके के केसेस की निगरानी के लिए एक पॉक्सो ट्रैकिंग पोर्टल बनाया है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक अरुणाचल प्रदेश पे उस ट्रैकिंग पोर्टल पर इंफॉर्मेशन फीड होना शुरू नहीं हुई है। आज हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इमीडिएटली पॉक्सो ट्रैकिंग पोर्टल पे इंफॉर्मेशन फीड करना शुरू करवाइए, जिससे हम लोग केस टू केस बेसिस पे उसको ट्रैक कर सके, कंसर्न हाई कोर्ट को अवगत करा सके, कंसर्न सुप्रीम कोर्ट को अवगत करा। देखिए, मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट ने बताया है कि 2000 रुपये की एक पेंशन दी जाती है, जो एक हेल्दी अमाउंट है, और बहुत कम राज्य ऐसे हैं जहाँ इतना बड़ा अमाउंट बच्चों को पेंशन के रूप में दिया जा रहा है। तो आई मस्ट अप्रिशिएट दिस, अदर स्टेट्स नीड टू रेप्लिकेट दिस। अनफॉर्चुनेटली पूरा नंबर डिसेबल्ड बच्चों का नहीं आ पा रहा है। किसी को हियरिंग एड मिलना है, किसी को कैलिपर्स मिलना है। मुझे ये भी आज बताया कि ये सारी जो एड्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो विदाउट इशूइंग ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट दे देता है, जो अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट दिस ऑल्सो। लेकिन ये सारे बच्चों के अधिकार हैं। आज हमने ICDS को बोला है, वुमेन एंड चाइल्ड को, कि जो भी स्टेट स्पेसिफिक स्कीम है, जो भी सेंट्रल स्कीम्स हैं, उनकी जानकारी एकत्रित करके सुपरवाइजर्स को और आंगनवाड़ी वर्कर्स को दें, जिससे हर एक डिसेबल्ड बच्चे को उनका लाभ मिल सके। देखिए, चाइल्ड लेबर के बारे में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 31 एकदम स्पष्ट कहता है, जो भी बच्चा CNCP होगा, CNCP की परिभाषा सेक्शन 2 में है, जो बच्चा लेबर लॉस के कॉन्ट्रावेंशन में पाया जाएगा वो CNCP होगा। किसी भी CNCP बच्चे को कोई भी व्यक्ति सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग CWC के सामने प्रोड्यूस कर सकता है, पुलिस को रिपोर्ट कर सकता है। सेक्शन 3 और 3A चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, उसके अंतर्गत किसी भी कानून का वायलेशन होगा वो सेक्शन 14 में CLPR एक्ट के दंडित किया जाएगा। सेक्शन 14A ये साफ साफ कहता है कि उसके अंतर्गत आने वाले सारे मामले कॉग्निजेबल होंगे। इसका मतलब ये कि पुलिस उस पर खुद संज्ञान लेकर के FIR करेगी। दैट मीन्स कोई पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन रिपोर्ट कर सकता है, पुलिस खुद कॉग्निजेंस लेके FIR करेगी, और कोई भी व्यक्ति, वो चाइल्ड लाइन हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, टीचर हो, कोई भी चाइल्ड लेबर रिपोर्ट कर सकता है, कोई भी। मैं जब से कमीशन में हूँ, देखिए मैं 18 से कमीशन में हूँ, 19 में मैंने टीम भेजी, 19 में मैं खुद आया एक बार अरुणाचल प्रदेश, फिर ड्यूरिंग कोविड यहाँ पे आना जाना मुश्किल था, तो हमने वर्चुअली रेगुलर मीटिंग्स की हैं, वर्चुअली हम रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहे हैं, और जैसे हमने स्टेट रिव्यू शुरू की है तो मैं खुद आया हूँ यहाँ पे स्टेट रिव्यू लेने।